Firstly, good morning students. Today we are discuss about the human resource management subject and discuss about the performance appraisal topic. ठीक है? Then students, firstly we discuss about the meaning of human resource management. Students, see on the blackboard. Firstly, we discuss about the topic performance appraisal and meaning. Performance appraisal meaning it said it is a tool to evaluate the performance of the employees and it is a qualitative and quantitative method. Student, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, मींस वो पर्सन सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है. ठीक है, इसके बीच में हम देखते हैं वो पर्सन अपने वर्क लेवल पे सही से एटीट्यूड कैसा है, उसका वर्क की परफॉर्मेंस कैसी है, जो हमने टारगेट सेट किए थे उन टारगेट्स को अचीव कर रहा है या नहीं अचीव कर रहा. ठीक है स्टूडेंट, ये सारा कुछ हमने इसमें देखना होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में मेनली. और इसके अलावा बच्चे इसकी फीचर्स क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, सबसे फर्स्ट पॉइंट है बच्चे ऑनगोइंग प्रोसेस. ऑनगोइंग प्रोसेस में बच्चे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो बच्चे कंटिन्यूस चलता रहता है, इसमें वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बच्चे इंप्लॉयज़ को हम टारगेट्स हर बार देते रहते हैं और उसके बाद हम उन टारगेट्स को उनको अचीव करने के लिए बोलते हैं और परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं वो पर्सन सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बच्चे ऑर्गेनाइज एक्टिविटी. जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है बच्चे इसमें जो टारगेट सेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइज, ऐसे नहीं कोई भी टारगेट सेट कर देगा, इसमें हम जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं दैट्स आर मेजरेबल एंड एक्यूरेट होने चाहिए बच्चे. नेक्स्ट है एवेल्युएटिंग प्रोसेस. परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एवेल्युएटिंग प्रोसेस बिकॉज दिस इज यूज फॉर द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट प्लान. नेक्स्ट है पीरियडिक प्रोसेस. बच्चे इसमें हम पीरियड वाइज परफॉर्मेंस की मेजर करते हैं, दैट्स वाई मीन्स फर्स्टली हम सेट दी टारगेट कर दिया और उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद उन्होंने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया तो हमने उस परफॉर्मेंस को मेजर किया और देखा वो लोग एम्प्लॉय सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट फॉर्मल और द इनफॉर्मल प्रोसेस. बच्चे ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है बच्चे फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है. फॉर्मल में मींस बच्चे इसमें हम मेनली रूल्स एंड रेगुलेशन और इनफॉर्मल भी इसको कर सकते हैं, जिसमें मेनली हम इम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड्स वगैरह भी देते हैं वो अगर वो सही तरीके से अच्छे से काम परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है बच्चे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चे हमने अब करना है वो है प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. बच्चे प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल टॉपिक. पेपर में इसमें इसके आने के 100% चांसेस है. बच्चे इस टॉपिक को तुम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. सबसे फर्स्ट है बच्चे प्रोसेस में सबसे फर्स्ट पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स. मीन्स हम क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करते हैं. स्टैंडर्ड्स में हम लिखते हैं हमने क्या टारगेट्स अचीव करना है. बच्चे स्टैंडर्ड जो सेट करने हैं हम ऐसे नहीं अपनी मर्जी से सेट करेंगे, मींस इसमें हम लिखेंगे भी कैसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जो अचीवेबल भी होने चाहिए, जो बच्चे अट्रैक्टिव भी हो एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि एम्प्लॉयज़ उनको अचीव करने के लिए रेडी भी हो. मीन्स हमारे टारगेट स्टैंडर्ड्स अच्छे सेट होने चाहिए. नेक्स्ट है बच्चे स्टैंडर्ड्स के बाद है हमारे पास वो है म्यूचुअली सेट मेजरेबल गोल्स. बच्चे जो स्टैंडर्ड सेट करने हैं हमने मेजर करने के लिए, बच्चे हमने एम्प्लॉयज़ के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं. मींस ऐसे ना हम जो स्टैंडर्ड सेट करें ओवर अचीवेबल, मींस जिनको अचीव करना आसान ही ना हो, तो बट टारगेट्स को ऐसे सेट करना है जो अट्रैक्टिव भी हो और जो एम्प्लॉयज़ के लिए अचीवेबल भी हो. उसके बाद है बच्चे मेजर करेंगे हम उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को. ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना वो कैसे काम कर रहे हैं बच्चे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को उनकी कैसे हम मेजर कर सकते हैं थ्रू दी उनकी ऑब्जर्वेशन करके. ठीक है, और इसके अलावा बच्चे हम इसमें यूज़ कर सकते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स एंड ओरल रिपोर्ट्स एंड रिटन रिपोर्ट्स का यूज़ करके हम उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को देख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे मेक कंपैरिजन. मेक कंपैरिजन में बच्चे हम क्या करेंगे, उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो उनके स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे उनको हम देखेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे मैं अब आपको दूँ, मैंने स्टैंडर्ड सेट किए थे बच्चे, सपोज करो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया, हमने उनको बोला आपने एक दिन में 100 यूनिट्स बनाने हैं. ठीक है,
100 यूनिट्स बनाने हैं, मींस आपने वन डे में 100 यूनिट्स बनाने हैं पर एम्प्लॉय, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और उसके बाद बच्चे सपोज उन एम्प्लॉयज ने 95 यूनिट्स बनाए पर डे, ठीक है, एक दिन में। हमने फिर देखना उनका कंपैरिजन किया, कंपैरिजन में हमने देखा 100 माइनस 95 मींस 5 यूनिट्स का बच्चे गैप आ रहा है ना, तो इट मींस उनका जो हमने कंपैरिजन किया एक्चुअल का, हमने स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैरिजन करके हमें पता लगा कहाँ पे मींस वीकनेस है, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस दी अप्रेजल। फिर हमने ये जो हमारा रिजल्ट आया हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस किया, मींस क्यों आपका रिजल्ट ऐसे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है बच्चे लास्ट पॉइंट जो इसमें है वो है टेक दी कोरेक्टिव एक्शंस इफ़ रिक्वायर्ड, मींस हमें अब लगा हमारे यूनिट्स कम बने तो हमने एक्शन लेना है, मींस क्यों यूनिट्स कम बन रहे हैं उनके हमने रीजंस को फाइंड आउट करना है, रीजंस फाइंड आउट करके हम उनके रिजल्ट्स को दोबारा से स्टैंडर्ड्स को रिवाइज भी सेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर किसी को कोई भी डाउट है, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो बच्चे। स्टूडेंट किसी भी पॉइंट में डाउट है चलो बताओ। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है बताओ बच्चे, जो आपने अभी तक किया परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग क्या होता है बताओ मिताली बेटा, क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग? परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है मैम जिस पे हम जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस, जो अब तक उसने काम किया, हमने गोल सेट किए थे उनके अकॉर्डिंग हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। हाँ वेरी गुड, मींस उसने उसका एक्चुअल स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना और देखना है वो पर्सन कैसे काम किया, ठीक है, और उसके जो अगर उसके रिजल्ट्स में कुछ वीकनेस आ रही है ताकि वो इन फ्यूचर वो वैसा गलत काम ना करें, ठीक है। नेक्स्ट किसी और ने कुछ पूछना है बच्चे डाउट? ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।